हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल यूपी टू यूके में। और मैं एक बार फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है गाइस। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, एक्चुअली बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, आने वाली है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अब इस टाइम सितंबर इनटेक में आने वाले हैं। ये वीडियो सब उन सब के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है गाइस। और हाँ, मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे और मैसेज आए थे मेरे पास कि उसमें थोड़ा आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, तो उसके लिए गाइस रियली सॉरी फॉर दैट। और मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूँगा कि जो वॉल्यूम है वो ठीक से हो, प्रॉपर हो, ठीक है? तो उसके लिए रियली सॉरी फॉर दैट। और गाइस, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिए प्लीज़। अगर आप लोग को अच्छा लगता है, मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी मेरे साथ प्रॉब्लम आती हैं या जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है या जो भी अभी तक आया मेरे साथ, हुआ मेरे साथ, वो सब मैंने इस वीडियो मतलब इस चैनल पे बना के शेयर किया है और आप लोगों को वो हेल्पफुल है रहा है अब तक। तो प्लीज़ थोड़ा सा गाइस सपोर्ट कीजिए चैनल को, ठीक है? तो आज जो है मैं वीडियो अपने रूम में बना रहा हूँ। होम टूर में मैं आप लोगों को जल्दी करवाऊँगा, ठीक है, जहाँ पर मैं रहता हूँ। तो फिलहाल आज टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों ने देख ही लिया है कि अकोमोडेशन से रिलेटेड है। और मैं आप लोगों को बताऊँगा इस वीडियो में जो भी मतलब आप लोग कैसे अकोमोडेशन इंडिया से बुक करें, किस में बुक करें और क्या प्रॉब्लम आती हैं। और जो फ्रॉड चल रहा है ना आजकल, बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है यूके में, तो उस फ्रॉड से आप प्लीज़ गाइस बचिएगा। कोशिश करिए कि आप जो है इस फ्रॉड में ना पड़े, ठीक है? तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो मैं बताता हूँ अकोमोडेशन आप लोग इंडिया से कैसे बुक कर सकते हैं। इंडिया से अकोमोडेशन बुक करना, ये समझ लीजिए आप कि 100 में से सिर्फ 90% जो है, ठीक है, उन लोगों को नहीं मिलता है अकोमोडेशन। सिर्फ 10% जो है लकी होते हैं उन लोगों को अकोमोडेशन मिल जाता है, वो भी बिल्कुल जेनुअन, ठीक है? और जो मैं फ्रॉड की बता रहा हूँ वो आगे बात करेंगे हम कि फ्रॉड कैसे चल रहा है आजकल। और जो मोस्टली लोग होते हैं जो इंडिया से आते हैं, स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आते हैं या किसी और वीज़ा पे आते हैं, तो उन लोगों को जो है अकोमोडेशन इनिशियली मिलता है, ठीक है, 1 मंथ का मिलता है, हर कोई देता है यहाँ पे। और हेल्थ केयर में तो 3 3 मंथ्स का भी मिलता है, ठीक है? तो वो हेल्थ केयर वालों के लिए बेनिफिट है। और जो भी स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आते हैं उन लोगों के लिए बेनिफिट है कि उनको अकोमोडेशन एकदम ढूंढना नहीं है, सर्च नहीं करना है, उनको अकोमोडेशन मिल रहा है। फिर जब यहाँ पर आ जाते हैं तो आप लोगों को बहुत ईजी हो जाता है अकोमोडेशन मिलना यहाँ पर आने के बाद। लेकिन अगर आप इंडिया से सर्च कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं, और वो सिंगल हैं आप, तो बहुत सारे आप लोगों ने वीडियोस देख ही रखी होगी, ठीक है, मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अंबर स्टूडेंट है और भी बहुत ढेर सारी साइट हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप यूनिवर्सिटी में भी अकोमोडेशन ले सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी भी, अंबर स्टूडेंट हैं और ढेर सारी ऐप्स हैं, उन पर जाके आप सिंगल अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। लेकिन गाइस प्रॉब्लम आती है जो फैमिली के साथ आते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, जिनकी फैमिली होती है, बेबी होता है, ठीक है, उन लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है। उनको इतना इजीली अकोमोडेशन नहीं मिल पाता है गाइस, तो उन लोगों के लिए। और जो जैसे फैमिली के साथ स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आ रहे हैं उन लोगों के अकोमोडेशन के लिए मैं बात करूँगा तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल है इंडिया से अकोमोडेशन बुक करके आना, ठीक है? क्योंकि ऐसा नहीं है यहाँ पर कि आपने अकोमोडेशन देख लिया, पसंद कर लिया, वो एग्रीमेंट भेज देंगे और हो गया, ठीक है? पहली बात तो मैंने, आप यकीन करिएगा, इंडिया में रह के कम से नहीं तो 50 60 एजेंट से बात करी थी इंडिया से अकोमोडेशन के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब ने यही बोला कि आप हमारे को अलाउ नहीं है कि हम इंडिया से पैसे अपने अकाउंट में लें, ठीक है? तो उस चीज़ का ध्यान रखिए गाइस। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, या तो आप राइट मूव एप्लीकेशन है और स्पेयर रूम है, ठीक है, और 3 4 एप्लीकेशन और हैं, इन पे आप जाके देख सकते हैं। राइट मूव और स्पेयर रूम जो है ये बेस्ट है।
इस पे मिल जाता है अकोमोडेशन। बहुत सारे मैंने बताया आपको, 100 में से 90% लोग मना कर देते हैं, सिर्फ 10% है वो भी। आप जो है यहाँ पर जो होते हैं स्टेट एजेंट्स होते हैं, ठीक है, अगर वो कोई आपसे एग्रीमेंट कर रहा है तो वो जेन्युइन हो सकता है, उसको भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो 100% बिल्कुल ही ठीक होगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। और अगर आपको कोई बंदा पर्सनली बोल रहा है कि मैं एग्रीमेंट भेज दूंगा, तो प्लीज़ गाइज बी अवेयर कि यहाँ पर ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा चलता है। जिस फ्रॉड की मैं बात कर रहा हूँ यही फ्रॉड है। यहाँ पर क्या है, आजकल ये लोग ने फेसबुक पे और राइट मूव पे, जूपला पे, इन साइट्स पे, ऐप्स पे अपने वो डाली हुई है, फेक पिक्चर्स डाली हुई हैं, ठीक है, घर की, और उसके बाद बोलते हैं कि हम आपको एग्रीमेंट भेज देंगे, पहले आप अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, तो गाइस इस फ्रॉड से बचिए, ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पर, स्कैम है ये एक तरीके का यहाँ पर। और अगर आप इनसे बोलेंगे कि आप घर का टूर करवाइए, तो ये बोलते हैं कि हम दूसरे टाउन में रह रहे हैं, हम दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, हम नहीं करवा पाएंगे, आप पहले पैसे ट्रांसफ़र करिए, उसके बाद हम किसी को भेज देंगे, कीज़ लेके भेज देंगे, कीज़ हमारे पास है। तो गाइज ये टाइप का फ्रॉड जो है ना बहुत ज़्यादा एक्टिव है यूके में, तो प्लीज़ इससे बचिए। और कोशिश करिए कि आप, अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है फैमिली अकोमोडेशन, तो एयरबीएनबी से बुक करके आइए, और मिनिमम 7 डेज़ का, और मैक्सिमम तो आप कितना भी कर सकते हैं, क्योंकि एयरबीएनबी थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो उसमें देखिए कि आप 7 to 10 डेज में आप ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ यूके में क्या होता है, कि यहाँ पर मोस्टली जो प्रॉपर्टी दी जाती है वो स्टेट एजेंट के थ्रू दी जाती है, जिन्हें हम इंडिया में प्रॉपर्टी डीलर बोलते हैं। यहाँ पर स्टेट एजेंट्स होते हैं, उन लोगों के थ्रू ही यहाँ पर एग्रीमेंट होता है, जो भी लैंडलॉर्ड होते हैं वो उनके थ्रू ही प्रॉपर्टी जो है अपनी रेंट पर देते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आई और उन्होंने ना आपको पसंद आ गई, आपने पेमेंट करा और नेक्स्ट जो बोल दिया कि हम शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता यहाँ पे गाइस। आप पहले एक बार, आपको वो टाइम देंगे कि आप कब देख सकते हैं प्रॉपर्टी, पहले आपको देखने के लिए टाइम देंगे, उसके बाद फिर आपसे बोलेंगे कि आप उनको बताएंगे कि हमारे को प्रॉपर्टी पसंद है, ठीक है। आपको पहले लोकेशन देखना पड़ेगा, कहाँ पे लेना है, आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, वर्क कहाँ पर है, नियर बाय आपको अकोमोडेशन देखना पड़ेगा। उसके बाद वो आपसे, आपने उनको बताया कि हमको प्रॉपर्टी पसंद है, तो फिर वो लैंडलॉर्ड जो होते हैं उनको भेजेंगे आपकी डिटेल्स कि आप ऐसे ऐसे हैं, इस वीज़ा पे हैं। और उसके बाद फिर अगर लैंडलॉर्ड बोलता है कि ठीक है मेरे को पसंद है, ठीक है, उसके बाद ही आपका प्रोसीजर आगे बढ़ेगा गाइस। ऐसा नहीं है कि आपने बोला और हो गया, ऐसा नहीं है यहाँ पर। और जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आते हैं, अगर सिंगल आ रहे हैं तो ठीक है, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपकी इनकम देखी जाती है एनुअली कितनी है, उसके हिसाब से ही आपका रेंट डिसाइड होता है कि आप कितने तक का रेंट, मतलब 700, 800, 1000 कितने तक का रेंट का आप एफोर्ड कर सकते हैं, आपकी एनुअल इनकम देखी जाती है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये जो स्कैम के बारे में बता रहा हूँ, मेरा मेन मोटिव यही था कि इस स्कैम से बचिए गाइस, बहुत ज़्यादा एक्टिव है ये यहाँ पर। और जो यूके में रह रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा वो है ये एक्टिव, ऐसा नहीं है खाली इंडियंस के लिए ही है, जो भी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश जहाँ से भी आ रहे हैं ये सब जगह एक्टिव है। तो इस जो फ्रॉड है इससे थोड़ा बच के रहिए गाइस, किसी को भी पैसे ऐसे ट्रांसफर मत कीजिएगा यहाँ पर इतनी इजीली, बिना दिखाए और बिना एग्रीमेंट करे ऐसे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं देता है। तो किसी के भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर एक बार ट्रांसफ़र कर दिए तो आप किसी से पैसे नहीं ले सकते। तो वो बंदा यहाँ पर होगा ही नहीं, आप ढूंढेंगे कैसे उसको, बताइए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए थोड़ा, और अकोमोडेशन के लिए कोशिश करिए कि आप राइट मूव, जुबला और स्पेयर रूम पर ही ट्राई करें, और अगर इन पे नहीं मिलता है तो आप एयरबीएनबी बुक करके आइए, उसके बाद आपको जो है अकोमोडेशन इजीली मिल जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता है यहाँ पर, अकोमोडेशन बहुत इजीली मिल जाता है, शेयरिंग हो या फिर आप अपना फ्लैट लेना चाहते हैं तो वो इजीली मिल जाता है। लेकिन जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं
स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आते हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए चैनल को। टेक केयर, बाय बाय।